आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में ऐसे कई बाज हैं जो बड़े बड़े जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों को भी उठाकर ले जाते हैं। दोस्तों, ये सच नहीं है, ये महज एक कल्पना है। पर हाँ, ये जरूर सच है कि इन्होंने कई बार इंसानों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल किया है। और ये अपने मजबूत शरीर से अपने वजन से दोगुना तिगुना वजनी शिकार को लेकर भी उड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ही बाज की प्रजातियों के बारे में। नंबर 5, क्राउन्ड ईगल। ये आसमान का ऐसा राजा है जिसे आसमानी चीता भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब बात शिकार करने की आती है तो ये किसी को नहीं छोड़ता। ये बकरी, लोमड़ी और हिरण जैसे जीवों को उठाकर ले जाता है और उन्हें अपना भोजन बनाता है। जब इसका शिकार ज्यादा वजनी होता है तो ये उसे ऊंचाई पर ले जाती है और ऊंचाई से पहाड़ की किसी नोक पर गिरा देते हैं, जिसके बाद शिकार या तो पूरी तरह से घायल हो जाता है या फिर मर जाता है। कई बार इनके घोंसले में इंसानी खोपड़ियां भी पाई गई हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि ये इंसानी बच्चों का भी शिकार करते हैं। नंबर 4, अमेरिकन बाल्ड ईगल। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ये ऐसे बाज हैं जिनका सिर सफेद रंग का होता है और बाकी का शरीर भूरे रंग का होता है। अमेरिका में ये आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका के नेशनल बर्ड हैं। अपने 8 फुट लंबे पंखों की वजह से ये 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकते हैं, और अपने इन्हीं बड़े बड़े पंखों की वजह से ये समुद्र और नदियों से बड़ी आसानी से तैरती हुई मछली भी पकड़ लेते हैं। इनके पंखों के अलावा इनकी आंखों की नज़र भी बहुत तेज होती है। करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई से ही ये नीचे रेंगने वाले छोटे छोटे सांप को भी बड़ी आसानी से देख लेते हैं और पलक झपकते ही बड़ी तेजी से उन पर हमला कर देते हैं। इनके घोंसले नदियों के पास ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिलते हैं। ये ऐसी जगह पर घोंसला बनाते हैं जहाँ आस पास पानी का स्रोत मौजूद होता है। नंबर 3, वाइट टेल ईगल। इनके पंखों का आकार देख कर आप हैरान रह जाएंगे। इनके पंख पूरे 7 फीट 9 इंच लंबे होते हैं। इनका शरीर करीब 8 फीट तक होता है। ये काफी दुर्लभ प्रजाति के बाज हैं, जो ज्यादातर जापान में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जर्मनी के नेशनल बर्ड हैं। इतने बड़े पक्षी होने के बावजूद भी इनकी इंसानों पर हमला करने की बहुत कम घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि ये ज्यादातर मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा अपनी 2.5 इंच की नुकीली चोंच से कई बार ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। नंबर 2, मार्शल ईगल। इस बाज की बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला ये सबसे बड़ा बाज कहा जाता है। इस बाज के सिर्फ एक पंजे में इतनी ताकत होती है कि अगर किसी इंसान के कंधे को जकड़ ले तो उसका कंधा पूरी तरह से टूट सकता है। इनके पंखों का आकार 6 से 7 फीट के करीब होता है। भले ही ये 7 किलो तक वजनी हो, लेकिन ऐसे बहुत किस्से हो चुके हैं जब इस प्रजाति के बाज ने इंसानों पर हमला किया। लेकिन ये ज्यादातर बकरियों के बच्चे और बंदरों को उठाकर ले जाते हैं, पर खाने पीने के मामले में इनकी कोई चॉइस नहीं है। कई बार ये मंगूस, बिल्ली और यहाँ तक कि लोमड़ियों को भी उठाकर ले जाते हैं। नंबर 1, हार्पी ईगल। बाज की ये सबसे खतरनाक प्रजाति आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी, लेकिन इन्हें खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। खाने पीने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। ये बड़े से बड़े बंदर और ताकतवर जगुआर को भी नहीं छोड़ते हैं। भले ही इनका वजन सिर्फ 10 किलो होता है, लेकिन ये अपने वजन से कई गुना ज्यादा बड़े जानवरों को आसानी से उठाकर आसमान में उड़ जाते हैं। इनके पंजे एक भालू के पंजे से भी ज्यादा बड़े होते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि जब कभी ये अपने शिकार को इन पंजों में दबोचते हैं तो उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं।